बदलाव की हवा चल रही है, जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यक्रमों में जनता और कार्यकर्ता जुट रहे हैं, उसे देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि जो अंदाजा किसी को नहीं है, उससे बेहतर जीत कांग्रेस पार्टी की होगी विधानसभा चुनावों के अंदर। और भाजपा की जो अंतर्कलह है, इतना भारी बहुमत जनता ने दिया था, 160 से ऊपर सीटें जिताकर भेजी थी, 25 के 25 लोकसभा सीट जिताकर भेजी थी, उस जनादेश का अपमान किया जा रहा है आपसी गुटबाजी और तोड़फोड़ के चक्कर में। भाजपा को 2.5 महीने से अपना कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, केंद्र का नेतृत्व और भाजपा का राजधानी का नेतृत्व है, उसमें इतना भारी खिंचाव है, उसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन पर इसका फर्क पड़ता है। अब घनश्याम तिवारी जी ने इस्तीफा दिया अपनी पार्टी से, मुझे लगता है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, मैं उन मुद्दों की अगर चर्चा करें तो मुद्दे बड़े प्रासंगिक हैं। करप्शन का जो इशू है, उसको देखकर बीजेपी ने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं और प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई थी तो बजाय उसका आत्मचिंतन करने की, बजाय उस पर सही रास्ता ढूंढने के, उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि जो आदमी इतना वरिष्ठ हो, इतने साल पार्टी का काम किया हो, इतने बड़े पदों पर रहा हो, उनके ये हाल हैं, और तो आम जनता का क्या हाल होगा प्रदेश के राज में। वसुंधरा जी की सरकार का जाना तय है, और कांग्रेस में जो उत्साह, जो ऊर्जा और विशेष रूप से नौजवानों में जो मुझे देखने को मिल रहा है, उसे देखकर मुझे संतोष है मुझे कि नौजवान, किसान, सब वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी जिताएंगे।